दिल्ली के बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद से देश भर में अलग अलग कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण किया जा रहा है, या यूं कह ले वहां पे जांच की जा रही है कि क्या वहां पे स्टूडेंट्स सेफ है या नहीं। अगर देश भर की बात हुई है तो आज झारखंड में भी कुछ वैसा ही देखने को मिला, जहां अलग अलग राजधानी रांची में, जो कि कोचिंग सेंटर्स का हब है, यहां अलग अलग सेंटर्स की जांच की गई और वहां ये पता लगाया गया कि क्या वहां स्टूडेंट सुरक्षित है या नहीं। कुछ तस्वीरें सामने आई है जहां ये देखा गया है कि अब भी राजधानी रांची में ऐसी तस्वीरें हैं, यानी कि ऐसा कोचिंग सेंटर्स है जो बेसमेंट में संचालित हो रहा है, जहां सेफ्टी को ताक पर रखकर स्टूडेंट्स अपने भविष्य को संवारने में जुटे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। कितने सुरक्षित हैं रांची के कोचिंग सेंटर्स? आपके बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़। बिना नियम कोचिंग सेंटर्स पर कसेगी नकेल। दिल्ली में बेसमेंट में चल रही कोचिंग सेंटर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद पूरे देश में कोचिंग सेंटर्स और इनके नियमों को ताक पर रखकर हो रहे संचालन पर सवाल उठने लगे हैं। हर जगह जांच चल रही है। रांची में भी सैकड़ों कोचिंग सेंटर्स चलते हैं, ज्यादातर नियमों का पालन नहीं करते। ना तो यहाँ फायर सेफ्टी है, ना वेंटिलेशन है। एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही गेट है। पार्किंग की भी बड़ी समस्या है। ऐसे में जिला प्रशासन अब कोचिंग सेंटर्स की जांच कर रहा है। पैरामीटर में खड़ा नहीं उतरने वाले पर कार्रवाई होगी। दिल्ली में जो दुर्घटना अभी हुई है, उसी के आलोक में हम लोग सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रांची में जितने भी कोचिंग्स हैं उनका इंस्पेक्शन किया जा रहा है। डीसी रांची सर द्वारा 5 टीमें बना दी गई हैं 5 प्रोमिनेंट रीजन्स के लिए। हमारी टीम लालपुर और कांडाटोली के जो मेन कोचिंग्स हैं उनका इंस्पेक्शन कर रही है। कोचिंग नहीं, जांच तो बहुत डेप्थ तक हो सकती है। मेन पैरामीटर से फोकस हम लोग का स्टूडेंट सेफ्टी को लेकर के है, तो वेंटिलेशन पर्याप्त होनी चाहिए, लाइटिंग को लेकर के, पार्किंग को लेकर के है, फायर सेफ्टी वहाँ बकायदा है, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग वगैरह बराबर ठीक से है, लोड वगैरह उसमें लोड कनेक्शन अनुरूप है या नहीं है, इन सब चीज़ों पर बकायदा इंस्पेक्शन हो रहा है। रांची के लालपुर में बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहा है, जो बिल्डिंग बॉयलॉज का सरासर उल्लंघन है। लेकिन कोचिंग संचालकों की माने तो वो हर नॉर्म्स पूरा करते हैं। जिला प्रशासन इनके दावों की भी जांच कर रहा है। ये कुछ अनियमितता पाई गई है, कुछ जगहों पे फायर सेफ्टी में दिक्कतें हैं, कुछ जगहों पे पार्किंग की सुविधा में सवाल है। इन सब पे बकायदा डिटेल रिपोर्ट हम सबमिट कर रहे हैं, उसकी कार्रवाई भी होगी और सुधारात्मक स्टेप्स भी लिए जाएंगे। दिल्ली जैसी घटना कहीं और ना घटे, इसको लेकर प्रशासन रेस है। लेकिन ऐसी कार्रवाई हर घटना के बाद तेज होती है, लेकिन फिर समय के साथ सब ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और हादसे होने के बाद फिर से कहानी दोहराई जाती है। रांची से कैमरा पर्सन संजय के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।